एक बार फिर से आपका यूनिक आलंगू चैनल में स्वागत है डियर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डियर कि एक बेसिक एग्जांपल हम लोग बना चुके हैं, देख चुके हैं कैसे हम लोग रन करते हैं, ठीक है, कैसे प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, इसका आउटपुट हम लोग कैसे पाते हैं, ठीक है। सेम आज उसी प्रोसीजर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आज एक छोटा सा एग्जांपल और लेके आपको हम आए हैं। अगर सपोज दैट मान लीजिए हमको अपने वेब पेज में अगर मान लीजिए किसी मैसेज को प्रिंट करना है, या सपोज दैट कुछ हम कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं ना कि इट इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, या इट इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, या कुछ भी ऐसा आप लोग टाइटल देना चाहते हैं, तो आज हम लोग उस सिलसिले में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। तो फिर डियर हम लोग क्या करते हैं, वही अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, नोटपैड को ओपन कर लेंगे, और नोटपैड ओपन करते ही सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि आप हमने फिर आपको वही एचटीएमएल को कोडिंग से शुरुआत करना है डियर। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लॉजिक चेंज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से एचटीएमएल हमने यहाँ पे टाइप किया। एचटीएमएल के बाद तुरंत हमने यहाँ पे हेड लगाया, हमने यहाँ पे हेड टाइप कर दिया, ठीक है, हमारा यहाँ पे हेड टाइप हो गया, ओके डियर। हाँ, तो यहाँ पे HTML के बाद आपका हेड आता है, हेड हमने यहाँ पे आपका टाइटल लगा दिया। इसके बाद हमको यहाँ पे टाइटल टैग देना है, टाइटल हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। हेड के बाद क्या लगाते हैं, टाइटल लगाते हैं। तो हेड यहाँ पे पूरा कंप्लीट होने के बाद तुरंत फट से हम लोग आ जाते हैं टाइटल टैग पर, और टाइटल टैग को उसी तरीके से यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। टाइटल टैग हमारा यहाँ पे डिफाइन हो गया डियर। टाइटल में जो चीज़ हम देना चाहते हैं बिल्कुल आप दे सकते हो, इन्वर्टेड कामा के अंदर, विदाउट इन्वर्टेड कामा में, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है डियर। तो टाइटल में हमने यहाँ पे दे दिया यूनिक ऑनलाइन गुरु, हमने क्या दे दिया टाइटल में, यूनिक ऑनलाइन गुरु हमने दे दिया, ठीक है। तो आप लोग टाइटल में क्या देते हैं, यूनिक ऑनलाइन गुरु। आप लोग और कुछ भी दे सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल छोटा सा दे दिया यूनिक ऑनलाइन गुरु, यहाँ पे हमने यूनिक ऑनलाइन गुरु टाइप कर दिया, हमारा ये टाइटल हो गया, ठीक है, यूनिक ऑनलाइन गुरु यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये हमारा टाइटल था। तो हमने यहाँ पे टाइटल को बना लिया भाई, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा को अपने क्या किया, यहीं पे क्लोज कर दिया, और टाइटल टैग को हम क्या करते हैं, यहीं पे तुरंत बंद कर देते हैं, ठीक है। टाइटल टैग हमारा यहाँ पे क्या हो गया डियर, तुरंत क्लोज हो गया। अब क्या करना है, तुरंत टाइटल टैग के नीचे आपका हेड ओपन है, हेड को बंद कर दो भाई। हेड हमारा यहाँ पे बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है, हमारा हेड टैग यहाँ पे बंद हो गया। अब क्या करते हैं, हेड के बाद तुरंत आपको करना क्या है, बॉडी टैग ओपन कर लेना है। बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, बॉडी टैग को अप्लाई कर लेंगे, और बॉडी टैग हमारा यहाँ पे ओपन होगा। अब हमको बॉडी में जो कंटेंट देना है सबसे पहले यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं, यानी हेडिंग डिफाइन करते हैं H1 टैग लगा के, ठीक है। यहाँ पे हमने H1 टैग लगाया, हेडिंग को डिफाइन कर लिया, हेडिंग में हमने दे दिया वेलकम टू यूनिक ग्रुप। यहाँ पे हमने हेडिंग क्या दे दिया डियर, वेलकम टू यूनिक ग्रुप दे दिया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे तुरंत यहाँ पे क्या टाइप कर दिया, वेलकम टू यूनिक ग्रुप, वेलकम टू यूनिक ग्रुप हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया भाई, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, वेलकम टू यूनिक ग्रुप हमने यहाँ पे दे दिया। टाइटल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो हेडिंग हमने यहाँ पे दे दिया भाई, वेलकम टू यूनिक ग्रुप, ठीक है, हमने यहाँ पे वेलकम टू यूनिक ग्रुप यहाँ पे बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया, और उसी लाइन में हमने क्या किया, अपने H1 टैग को तुरंत क्लोज कर देंगे भाई, क्योंकि जो ओपन होता है उसे हम लास्ट में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। पैराग्राफ आपको जो बनाना है बिल्कुल यहाँ पे आप पैराग्राफ बना लीजिए, यानी हम क्या लगा देंगे, पी टैग अप्लाई कर देंगे, पी टैग हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, और पैराग्राफ में जो कुछ आप देना चाहते हो बिल्कुल दे दो। सपोज दैट यहाँ पे हमने दे दिया दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज, दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, वेब पेज, ओके, हमारा क्या था पैराग्राफ, दिस इज अवर फर्स्ट वेब पेज, यहीं पे हम क्या करेंगे डियर, पे अपने पैराग्राफ को क्या करेंगे भैया, तुरंत पी टैग को यहीं पे हम क्लोज कर देंगे, यानी हमारा पैरा भी क्रिएट हो गया और यहीं पे हम क्लोज कर दिया, ठीक है। तो हमारा पैरा और भी बनाना है तो और भी आप P1, P2 ऐसे भी कई आप पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अपने बॉडी को बंद कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था
सबसे पहले HTML ओपन था, हेड ओपन था, टाइटल ओपन था, हमने टाइटल को बंद किया, हेड को बंद कर दिया, बॉडी ओपन किया, बॉडी में मैंने कंटेंट अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अपने बॉडी टैग को हम बंद कर देंगे भाई, बॉडी टैग हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाता है। HTML लास्ट में हमारा सबसे ऊपर ओपन था, अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, अपने HTML को हम लोग क्या करेंगे भैया, तुरंत क्लोज कर देंगे। देखिए वही स्टेप था जो मैंने अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में देखे थे, ठीक है। हमारा ये बंद हो गया, बंद करने के बाद तुरंत अब कहाँ जाना है, फाइल मेनू में जाना है, अपने फाइल को सेव करना है। कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है। और हमारी फाइल जब सेव हो जाए तो यहाँ पे रवि था, यहाँ पे आप रजत कर दीजिए, रजत और डॉट क्या लगाएंगे, HTML नाम से हम फाइल को सेव कर दिए। ओके, हमारा ये सेकंड प्रोग्राम सेव हो गया। जैसे सेव होता है इसका आउटपुट आप कैसे प्राप्त करेंगे, तुरंत आप आएंगे डेस्कटॉप पे, देखिए रजत नाम की फाइल आपको शो हो रही है, इसी पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए हम यही हमारा क्या था, वेब पेज ओपन हो गया। और जैसे वेब पेज हमारा ओपन हुआ वो देख लीजिए, आपका टाइटल क्या था डियर, यूनिक ऑनलाइन ग्रुप था, और मेरा जो हेडिंग था वो वेलकम टू यूनिक ग्रुप था, और मेरा जो पैराग्राफ था दिस इज अवर फर्स्ट वेब पेज, ये देखिए आपको आउटपुट मिल गया। यही हमारा वेब पेज था, इसी वेब पेज में जो मैंने कोडिंग किया उस सारे कोडिंग को मैंने इसी अपने पेज में रन करा के ओपन करके देख लिया। ओके, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा ये आपका जो मेथड है बहुत सरल मेथड है, इसे आप ऐसे अगर आप प्रैक्टिस घर पे करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारी चीजें एकदम क्लियर कर दिया, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे कोडिंग करना है, कैसे सेव करना है, और कैसे इसको हमको रन करके देखना है। तो दोस्तों ये बात जरूर समझ में आई होगी, तो इसलिए मैंने इसको आपको कंप्लीट करके बता दिया। ये हमारा आपका दूसरा एग्जाम्पल आज कंप्लीट हुआ। ओके डियर, थैंक यू।